Good morning. चालू हो गए हैं, आप देख सकते हैं। एडवांस 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 गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, प्रणाम, केम छो एंड भोजपुरी में बोले तो कैसन बानी रहो सब। स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में भी एंड स्वागत है आपका फिर से हमारे इस न्यू ब्लॉग में भी। मॉर्निंग के बज चुके हैं 8 और आज का मौसम बहुत ही क्लियर है बिकॉज आज मॉर्निंग में उठा हूँ और आज मॉर्निंग में ही कोई ज़्यादा फॉग नहीं है एंड धूप भी निकल चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ मौसम कैसा है आज का, और दिन की तुलना में मौसम कितना ज़्यादा क्लियर है। आज धूप भी निकल चुका है एंड 8 बजे हूँ आपको नीचे। एंड अभी ये बता दूँ कि बाबू और पूजा सोई हुई है बिकॉज रात को काफ़ी ज़्यादा जगाना पड़ता है बाबू को। बाबू रात में 3 बार या 4 बार जग जाता है। वो सब वीडियो मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता, कुछ दिन बाद मैं वो सब दिखाऊंगा आपको कि बाबू कितना परेशान करता है रात में। और मुझे इस रूम में, सेकेंड वाले रूम में होता हूँ बट मुझे थोड़ा थोड़ा आवाज़ आता है बिकॉज मैं 3 या 3 बजे के आसपास में बाबू जगा हुआ था और काफ़ी अच्छा चिल्ला रहा था। तो रात को बस समझो कि रात में 2 से 3 बार जगना पड़ता है एंड हर एक बार 1 से 2 घंटा बाबू को सोने में टाइम लगता है। बाबू और पूजा जगती है, गुड मॉर्निंग जब होता है मिलवाऊंगा। तब तक ये चलता हूँ मैं आपको नीचे लेके बिकॉज मैंने अपने बाइक का बहुत सारा वर्क करवाया था बिकॉज मैंने बाइक में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई थी तो मैंने इसे ठीक करवाया है, तो दिखाता हूँ आपको, लेके चलता है। दादी माँ भी अभी तक सोई हुई है। दादी माँ, हाँ तो धूप निकल गया, धूप निकल गया, निकल भाई। तो फिर मैं दिखाते हैं आपको कल बाइक का क्या क्या वर्क हुआ है बाइक में। सबसे पहले तो आप देख सकते हो ये वाला टायर, ये पूरा घिस गया था तो हमने इसे नया लगाया है एंड ये टूट गया जब मैं एक्सीडेंट किया था तो ये यहाँ से टूट गया था तो इसको मैंने कल न्यू लगवाया। मतलब टूटा नहीं था, हल्का सा क्रैक था तो मैंने सोचा चलो इसको चेंज कर देते हैं। एंड ये डिस्क पैड, ये देख सकते हो डिस्क, ये हमने न्यू लगाया बिकॉज ये कुछ क्रैक कर गया था यहाँ से तो उन्होंने बोला कि इसे चेंज कर दो बिकॉज कभी भी कुछ छोटा मोटा हादसा हो सकता है तो सो मैंने इसको भी चेंज कर दिया। तो पहले हम इस बाइक को निकालते हैं कि कैसा चल रहा है। जा जा मैं बाइक लेके उसकी ट्रायल में लेके गए, चला के देखते हैं कि बिकॉज गाड़ी कैसा बना है। एंड ये बनी, रुको रुको, चलने लगा गाड़ी नया, एकदम सेम नया जैसे चल रहा है। गुड मॉर्निंग, रात में हम सोने एक बहुत देर तक रो रहा था ना। हाँ, इसको गुड मॉर्निंग अभी नहीं बोलना, अब बेटा तो सोए जा, इसलिए नेट वाला ही। हम रात में सोने हैं तो बहुत देर तक रो रहा था। हाँ आप सुना है। बोलो सबको गुड मॉर्निंग एवरीवन, बट मैं अभी नहीं उठने वाली हूँ, मैं जा रही हूँ सोने। कोई बात नहीं, सो जाइए, ठीक है। ना जगह हम किसको खाए ना जगह ना रात को तो जग नहीं किया सोता नहीं हो इसे अभी थोड़े तक ना ना अभी तो उठ जा अभी जा अभी जा अभी इसको ऐसे करो मैं इसको हटा भाई अभी गहरी नींद में और वैसे करो सीधा हो जाएगा सर। नानी माल ना ना भाई सूते के मन नींद में है एक रात सूते के मन बोपले बोपले छुया हूँ ना ठंडा हो तो। हाँ मैंने रात को सपना क्या देखा, सच्ची कसम से बोल रही हूँ, मैंने सपना क्या देखा, हमारा 300K 200K कंप्लीट हुआ और 300K कंप्लीट हो गया जल्दी से।
सच्ची में कसम से वो तो करेंगे ही, पता है हमें, क्योंकि अगर हमारी ब्लॉग अच्छी होंगी, आप लोगों को अच्छी लग, तो आप लोग जल्दी से हमारा 300 की कंप्लीट भी कर दो, कि जल्द से हम लोग 300 तीसरा केक भी कट करें। अगर आप लोग चाहते हो कि तीसरा केक हम लोग कट करें, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट शेयर, जो भी सब कुछ कर दो भाई। एंड वहाँ पे जाने के बाद मम्मी गई हुई है और फैमिली मेम्बर सभी लोग गए हुए हैं, तो मम्मी और बड़ी मामी सो गई हैं, उसको उनको खोजने के लिए मैं पीछे जा रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रही। लास्ट में बहुत देर के बाद देख रहा हूँ तो एक जगह ये लोग बैठे हुए हैं, मतलब शायद मैंने कल सोचा था ना कि वैष्णो माता जाना है, इसकी वजह से मुझे वो सपना आया था। एंड में होती है और हम जो मतलब जो हम लोग सोचते हैं वैसा ही सपना आता है। क्या हुआ, उठा दो। बहुत कष्ट है, बहुत माँ बनने के बाद लड़की को बहुत कष्ट होता है, बहुत ज्यादा। और पता है क्या था? क्या आपको देख के तो लगता है क्या कोई पेन ही नहीं हुआ? तो ये सिर्फ उन्हीं लेडीज को पता होगी जिनको बेबी होगा कि हाँ कितना पेन होता है और कितना झेलना पड़ता है, तो वही समझ सकती है सिर्फ। ऐसा और कोई... तो अभी हम लोग जा रहे हैं केक को कट करने। मम्मी तो अभी जा रहे हैं हम लोग केक को कट करने। केक खाना है ना? केक नहीं खाना है। क्यों? अंडा के बनता है ना? नहीं, मम्मी एगलेस है जो भी हम केक बनवाए हैं ना, एगलेस, उसमें अंडा का यूज नहीं किया गया है। केक को कट करेंगे अभी, लगभग 10 बजने वाले हैं। तो ये रहा हमारा यूट्यूब का केक। ये मैं बना ला रहा हूँ। चलो एंड वहाँ पे आप देख सकते हो हमारा केक है 200 केक का, जो कि रखा हुआ था कि आज काटेंगे कल काटेंगे, बट हमारे यहाँ कम चल रहा है और बाबू की वजह से हर एक लोगों का शेड्यूल जो भी वर्क होते हैं वो चेंज हो चुके हैं, तो कुछ समझ नहीं आता। रात दिन वाले लोग रात में जग रहे हैं, रात वाले दिन में जग रहे हैं, और कब दिन होता है कब रात होता है पूजा को तो पता भी नहीं चलता होगा। मम्मी कंबल में सुलाई हुई थी तो कंबल चेंज किए, और पिछली बार कंबल चेंज कर दीजिए, न्यू वाले कंबल में दे दीजिए। जैसे ही न्यू वाले कंबल में गया सुसु कर दिया। तो कोई नहीं, बाबू है छोटा है तो उसका वही काम है। तो मैसेज कर रहे थे कि आप लोग हमें बाबू कैसे मतलब खेल रहा है क्या कर रहा है वो सब दिखाइए, तो हम लोग बोल रहे हैं कि बाबू अभी खेलता नहीं है, सिर्फ रोता है। बहुत ठंड है ना, तो उसे बहुत सेफली रखना पड़ता है, अच्छे से कवर करके रखना पड़ता है, तो बेचारा खेल नहीं पाता, खेल नहीं पाता है। बट बाबू जैसे 2-3 महीने का हो जाएगा वो खेलेगा कूदेगा जो भी करेगा, हम लोग आपको एकदम डेली वाइज दिखाते रहेंगे। और आप लोग थोड़ा ठंडा कम होगा तभी तो उसको खुला छोड़ सकते हैं, तभी तो वो खेलेगा। अभी सिद्धि तो तुम पहले ही खा रही है, तुम केक खाओगी क्या? नहीं, सिद्धि केक नहीं खाएगी। बिट्टू केक कटेगा? ओ बेबी अच्छा ना। बिट्टू केक कट नहीं करेगा? हाँ बेटिया, क्या बोलते हो? बेटिया बाबू सोया हुआ है। तो अब हमारे शिवांश बाबू केक कट करने वाले हैं और थोड़े से गुस्से में है, लाल हो गए हैं, आप देख सकते हैं। जब एक गुस्से में होते हैं तो लाल हो जाते हैं। देख सकते हैं कितना रेडी हो चुके हैं। शिवांश बाबू, शिवांश शिवांश चलिए मम्मी 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 चलिए क्या करवाए क्या करवाए आ जाओ। हम तो रुद्रांश करेंगे, हम तो रुद्रांश बोलेंगे। नहीं देख मेरा रुद्रांश बाबू देखो करेगा। नानी आप दादी तुम ले नानी दादी चक्कू से नहीं खाना है तू, केक काटना है। काट लो काट लो बाबू बाबू काट ले। चलो केक काटो। रुक जाइए रुक जाइए, थोड़ा हाथ निकालो। लाल हो गया एकदम लाला। पिए के मन है। काट लीजिए केक, काट लीजिए सीधा कीजिए, आप सीधा कीजिए। कर दीजिए
गाल पे लगा दो, हो गया बस, हो गया। कैसा लगा? बहुत सुंदर लगा, खा लिया बाबू, खा लिया। देख रहा मेरा रुद्रा सब खाएगा ना। छिबाबू बाबू के द्वारा कट किया हुआ पहली बार, सभी अपने फर्स्ट बर्थडे पे केक कट करते हैं, तो इसको कट करने का जिम्मा जाता है इस बच्चे को। ये मासूम सा बच्चा, इसी ने काटा है केक, काटने के लिए ही उठा था सिर्फ।